जो सबसे बड़ा प्रॉबली जो 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 एक दिन जो विच वॉज द बिगेस्ट डे प्रॉबली वो था 9 अप्रैल जिस दिन आ, स्पीकर साहब ने रिजाइन किया आ, और उस दिन आ, आ, जो कुछ हुआ मैं चाहता कि आप थोड़ा सा रिकैप कर लें हमारे लिए उस उस दिन को सबसे पहले ये बताइएगा कि उस दिन का प्लान क्या था आप जरा उस, उस सारे का बहुत एक अहम हिस्सा थे प्लान नहीं करानी थी कोर्ट के ऑर्डर पर जाना पड़ेगा उस दिन के प्लान को समझने के लिए आ, सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी आ, जो सरांखों में हम कबूल करते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हालांकि हमारे ख्याल में आ, कोई भी पास का माजी का केस लॉ जो है उसको सपोर्ट नहीं करता था और जो हमारे आइन के अंदर बड़ी वाज तीन मुख्तलफ सतून हैं जिसके ऊपर हमारी जमूरीत खड़ी हुई है उसमें से एक सतून यानी अदलिया ने दूसरे सतून यानी मुकन्ना के जो इख्तियार हैं उसके अंदर बर रास्ते एक फैसला किया मुदाखलत हुई लेकिन हम तो सुप्रीम कोर्ट में हमला कराने वाली पार्टी नहीं है हम कोटा बेंच बनाने वाली पार्टी नहीं है तो हमने वो कबूल कर लिया ऑर्डर में लिखा क्या था ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि आप ये इजलास करेंगे इतने बजे शुरू होगा इस दिन होगा इतने बजे शुरू होगा और और आप प्रोरोग नहीं कर सकते अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस लिख रहे हैं ये कोई आ, मेरे जैसा कोई अनाड़ी तो लिख नहीं रहा तो जाहिर है एक एक लफ्ज बड़े सोच समझ के लिखा होगा तो ये आवाम के लिए जरा सा बता दें कि दो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं और दो मुख्तलिफ फैसले किए जाते हैं असेंबली का इजलास जब दिन में खत्म होता है या इजलास को एडजर्न किया जाता है और वो या अगले दिन हो सकता है या वो चंद दिन के बाद हो सकता है या उस इजलास को प्रोरो कर दिया जाता है यानी वो जो सेशन चल रहा होता है वो सेशन ही खत्म हो जाता है अब जब तक हुकूमत नया सेशन ना कॉल करे या अपोजिशन एक कम से कम तादाद में दस्तखत लेकर आके रिक्वजिशन ना करे तो नया सेशन नहीं शुरू हो सकता अब वहां लिखा हुआ प्रोरोग नहीं कर सकते वहां पर यह नहीं लिखा हुआ एडजर्न नहीं कर सकते तो हमारे ख्याल के अंदर तो एडजर्नमेंट की गुंजाइश कानून के अंदर मौजूद थी और चाहते ये थे कि दो तीन दिन तक खूब इसके ऊपर बहस हो हर एक अपना नुकता नजर ऑपोजिशन भी और हुकूमत भी सामने रखे तारीख रिकॉर्ड कर रही है और तारीख के रिकॉर्ड के अंदर आ जाए कि क्या क्या मौकफ था दोनों साइड्स का और तमाम लोगों का जो उस बात करना चाहते हैं वो शुरू नहीं हो सकी आपको पता है, सेशन बड़ा लेट हुआ दो तीन तीन चार चार दिन हाँ, हाँ, वोटिंग करानी इस कोई इसमें कोई कराना है वो वोटिंग करनी थी वो दो दिन हो या तीन दिन हो उसके ऊपर बहस हो सकती थी ये था प्लान लेकिन उस दिन एक चीज याद रखिएगा जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने यह भी, भी स्पेसिफाई किया था कि एजेंडा क्या होगा जिस तरीक का एजेंडा कहा कि उसी एजेंडे के मुताबिक असेंबली का सेशन होगा वोटिंग उस दिन के एजेंडे पर मौजूद थी तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह बर रास्त नहीं लिखा लेकिन एजेंडे का बोलकर शायरी कह दिया था कि वोटिंग आज आपको करानी पड़ेगी लेकिन अगेन वो इंटरप्रिटेशन की बात है ये बताइए असल इवेंट्स असद उमर साहब रात को सात आठ बजे के बाद बदलते हैं तकरीबन नौ साढ़े नौ एक खलबली मचती है कैबिनेट का इजलास बुला लिया गया स्पीकर पहुंच गए स्पीकर, स्पीकर वापस पहुंच गए इस्लामाबाद में तो सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग बुलाई उस दिन उसका मकसद क्या था सर कैबिनेट मीटिंग तो बुलाई गई थी कि वो जो मुरासला था उस मरासले की बुनियाद के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाने की फैसला करने के लिए बुलाई गई थी और उसके जो मंदरजात थे वो उससे पहले एक मीटिंग हो चुकी थी जिसके अंदर वो मिनट हो चुका था कि तमाम क्या है तो उसकी मीटिंग तो इस मकसद के लिए बुलाई गई थी कि ये फैसला कर लिया जाए उस मीटिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं था कि फ़ौज का सरबराह कौन होगा या कौन नहीं होगा ना काबीना के फैसले की उसके लिए कोई ज़रूरत होती है मतलब ऐसी ऐसी मजाक खेज अफवाहें उड़ाई जाती हैं Uh, कि जो वो मीटिंग कॉल कर ली गई है वो इसलिए कैबिनेट मीटिंग कॉल की है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्मी चीफ बदलना चाहते हैं भाई ये काबीना की कब से मंजूरी हो गई उसके अंदर? वो का अगर वो करना चाहें जो नहीं करना चाहते थे और वही उस मीटिंग के अंदर डिस्कश वो तो आप मिनट उठा के देख ले तो आपको मिनट से पता चल जाएगा कि वो मीटिंग किस लिए हुई थी ये डी नोटिफाई करने का कोई प्रोग्राम था डिस्कस हुई आपस में ये भी होता गई दबाग इश्यू और ऑप्शन आता है और उसको लोग कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं क्या ये डिस्कस हुआ उस दिन में? कभी भी नहीं ना उस दिन हुआ ना उससे पहले हुआ और ये बड़ा एक बड़ा अहम सवाल है और मेरे ख्याल में ये इदारे को भी इसके ऊपर तहकीकात जरूर करानी चाहिए कि ये कौन था जो बार बार ये एक दफा नहीं ये दो या तीन दफा अफवाह फैलाई गई थी ये कौन था जो ये अफवाहें फैला रहा था मेरे ख्याल में इसके ऊपर बिल्कुल तहकीक बनती है ये सारे दिन में आपने जैसा जिसको अफवाह कहा टीवी चैनल्स ने भी इस खबर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैरी भी किया

Uh, दूसरी चीज जो आपने जरा सा अगर मुझे अलाउ करें आपने इवेंट्स उस दिन रात के बताए मुझे यह बताएं कि uh, हम तो अंदर बैठे थे अच्छा ये प्रेजेंट वह वाली तो हमें अगले दिन पता चली हमें तो उस दिन पता भी नहीं चली क्योंकि हम पीएम हाउस बैठे थे हम तो असेंबली uh, में थे नहीं तो वहां पता चला कि प्रेजेंट वह पहुंच गई थी और उसको वो टीवी पे चल रहा था यार मुझे यह बताइए कि यह हम मान लेते हैं कि हमारी जो तशरी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वो गलत थी हो सकता है गलत हो ना हमारी तशरी है हमारी तशरी जो है वो हो सकता है गलत हो तो आम तौर पे कानून के अंदर क्या तरीकेकार होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर हुकूमत को कुछ सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी भी हो और सुप्रीम कोर्ट समझे कि ये हिदायत ठीक तरीके से फॉलो नहीं की जा रही है, तो क्या होता है भाई अगले दिन जिस दिन भी आ, इजलास होता सुप्रीम कोर्ट का सेशन होता एक कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया जाता कि आपने कंप्लाई नहीं किया और ये हमने आपको ऑर्डर इशू किए थे यू आर इन कंटेम हुकूमत को अपना मौकफ बयान करने की इजाजत होती वहां बहस होती सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला कर देता रात को 12 बजे खबरें आ रही हैं कि जिस कोर्ट खुलने वाला है और जैसे मैंने कहा मैं बाद में पता चला कि प्रिजन वैंस पहुंचने वाली है यार इमरान खान को दहशतगर्द था वो तीन साल आठ महीने से वजीरजम बैठा हुआ था वो क्या करने जा रहा था आपके ख्याल में उस इतवार के दिन क्या हो जाना था जिसके लिए ये सब करने की जरूरत थी जो तमाम कानून के मुजा असूल हैं, जो तरीके कार है उसको बदलने की जरूरत क्या पड़ी ये इसका सवाल कभी ना कभी तो किसी को देना चाहिए ना कि हो क्या रहा था जिस तरह मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे थे और मैं आपको बता रहा हूं काबीना की मीटिंग मिनट उठा के देख लें आपको पता चल जाएगा कि काबीना में क्या डिस्कस हुआ था इसी तरीके से इन चीजों के जवाब भी किसी को देने चाहिए जब आपको खबर आई मैंने सुना आप लोग सब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ज़्यादा टाइम तो आप लोग सारे इकट्ठे बैठे हुए जब आपको खबर आई कि अदालतें खुल रही हैं तो रिएक्शन क्या था असद साहब उस कमरे का है बेसिकली कोई भी कभी भी वजीर अजम ये नहीं चाहते थे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई आईनी बहरान पैदा हो जाए ठीक है मैंने आपको बता दिया कि उनके जहन में क्या था और क्या फैसला किया गया था कि तमाम लोग बात करेंगे तफसीली गुफ्तु होगी नुकता नजर रखा जाएगा रिकॉर्ड के ऊपर आएगा और उसके बाद वोटिंग करा दी जाएगी आ, तो जिस वक्त ये खबरें आनी शुरू हुई और ऐसे लगना शुरू हुआ कि कोई बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा हो गया है तो फिर ये फैसला किया गया कि ठीक है फिर वोटिंग करा दें आज रात को वोटिंग करा देते हैं वो जैसे उसके बाद पाकिस्तान ने देखा कि इमरान खान का मौकफ कौम के सामने आने के लिए एक से ज्यादा मौाक़ मौजूद हैं और वो मौक़ तो ऐसे आया है कौम के सामने कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई नहीं आया था लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ये जो ये भी मैं आपको बता दूं जो लोग कन्फ्यूज है ना कि इसको समझ नहीं आ रही कि यार ये अवाम में इतना जोश जज्बा गुस्सा क्यों है मैं सच्ची बात बताऊँ मुझे भी नहीं पता चला था जब हम क्योंकि हम तो अंदर बैठे थे जब मैं बाहर निकला अगले दो तीन दिन मैंने लोगों की बातें सुनी मैंने खुद सोचना शुरू किया कि यार ये हो क्या रहा था पाकिस्तान में उस दिन ये क्या दहशत गर्दी होने वाली थी जिसके लिए रात को बारह बजे खुल रही थी अदालतें और ये सारा किया जा रहा था ये ये जैसे मैंने कहा इसके सवाल कभी ना कभी तो देने पड़ेंगे ना कौम का हक बनता है उनको पता होना चाहिए कि इसकी क्या जरूरत पेश आई क्यों जरूरत पेश आई तो मैं इस पे आता हूँ जरा कि फिर फैसला बदला कैसे दो तीन दिन का और अगले दिन का क्योंकि मैंने सुना कि उसमें तीन चार इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर से क्या बात की उसमें आप भी शायद शामिल होंगे लेकिन एक एक जो जो प्रेजेंट मैन है एक माहौल ये बन रहा था कि ट्रिपल वन ब्रिगेड मूव कर गई है पता नहीं इस्लामाबाद में इस तरह की अफवाहें फैल रही थी कोई अंदर आपको पीएम हाउस में ये था कोई ग, ग, मार्शल ला लगने वाला है उस मुल्क में या फौज मूव मूव कर कर रही रही है है ट्रिपल ब्रिगेड में कुछ खबरें थी हाउस नहीं और अगेन ये जो है ना काशिफ बिल्कुल भी नहीं थी ये जो इस किस्म की सोच है ना वो मैं आर्मी चीफ बदल दो मार्शल ला लगने वाला है ये कुछ पहले से सोच चल रही होती है लोगों के दिमाग में कुछ होता है ना तो फिर इंसान का दिमाग उस तरफ जाता है ना प्राइम मिनिस्टर का ना हमारा कभी दिमाग में ये चीजें आई ना ये उससे पहले कभी डिस्कस हुई ये भी नहीं कि पॉसिबल पौस, सिनेरियो डिस्कस करते नहीं। या अगर ये हो गया वो अगर में भी नहीं डिस्कशन डिस्कशन हुई ना उस दिन रात को कोई मैं बता रहा हूं ना ये प्रेजेंट का तो हमें पता चला अगले दिन हमारे तो वो अन, अंदर बैठे हुए थे टीवी भी नहीं ऑन था मैं पहले भी बता चुका हूं कि रात को बारह बजे के करीब किसी ने कहा कि पीएम के कमरे में जी वो टीवी ऑन करो असद कैसर वहां पहुंचने वाले